राम बिल्कुल ऐतिहासिक पुरुष रहे। रावण का पैलेस था और उसके नीचे से चारों तरफ से गुफाओं का नेटवर्क था। हनुमान जी का वानर के रूप में ही वर्णन है, मनुष्य के रूप में नहीं है। ग्लेशियर है, उसके ऊपर संजीवनी आज भी मौजूद है। पुष्पक विमान का तो कोई प्रूफ कोई सबूत नहीं है। हनुमान की जब पूछ बांध करके उन्होंने लंका में आग लगाई तो कहते हैं यहाँ की जमीन भी जो है वो लाल हो गई। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आपके साथ एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहाँ आध्यात्म और इतिहास हाथ थामे साथ साथ चलते हैं। यह है ईश्वरिक खोज। राम के साक्ष्य तलाशते हुए आज हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं और हम आपको उस दौर तक लेकर चलेंगे जहां उनकी अगली पीढ़ी ने सत्ता की डोर संभाली थी। पिछले एपिसोड में हमने आपको पंचवटी के पुरातात्विक साक्ष्य दिखाए, साथ ही दिखाया रामायण काल का सबसे वैज्ञानिक प्रमाण राम सेतु। हमने आपको डीएनए मैपिंग के जरिए रामायण काल की जनजातियों के साक्ष्य भी दिखाए और बताया कि वानर बंदर नहीं बल्कि एक इंसानी प्रजाति थी। अब आगे आज से करीब 7000 साल पहले राम सेतु से वानर सेना लंका पहुंची थी। दूरी यही कोई 35 किलोमीटर के करीब की थी। तिथि की गणना के हिसाब से करीब करीब एक दिन का वक्त लग गया था श्रीलंका की सरहद तक पहुंचने में। वहां का जो पहला सबसे ऊंचाई का पड़ाव था वो था सुवेलु पर्वत। वहां से जो सामने देखा वो एक अभूतपूर्व दृश्य था। सोने की लंका, स्वर्ग जैसी सुंदर लंका। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वकर्मा ने स्वयं लंका नगरी का निर्माण किया था। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण ये बाहरी आक्रमण से सुरक्षित थी। पौराणिक तौर पर लंका को धन के राजा कुबेर की नगरी माना गया, जिनके सौतेले भाई रावण ने उनसे सत्ता हड़प ली थी। एक तो कुबेर का अकूत धन, ऊपर से रावण जैसा कुशल व्यापारी, लंका की समृद्धि अद्भुत थी। लंका बिल्कुल संपूर्ण नगरियों से अलग ही है, भिन्न है, स्वर्णमयी है, स्वर्ण से रत्नों से विभूषित है। रामायण को इतिहास के रूप में स्वीकार कर इसका प्रचार सबसे पहले वर्तमान के श्रीलंका ने ही शुरू किया। वहां की सरकार ने तो पर्यटन के नाम पर रावण का शरीर पाए जाने का दावा भी कर दिया। हालांकि श्रीलंका सरकार द्वारा पेश किए गए पुरातात्विक प्रमाणों को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात के बहुत ग्राफिक डिटेल है कि जब रावण का वध हो जाता है तो उसके दाह संस्कार के लिए चिता तैयार की जाती है, चंदन और तरह तरह की वुड्स की, उसको लिनन और सिल्क पहनाई जाती है और मंत्रों के उच्चारण के साथ उसका बहुत प्रॉपर दाह संस्कार किया गया है। तो जब उसका दाह संस्कार हो गया तो उसकी मम्मी होने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन इस बात को लेकर कोई संशय नहीं कि आज का श्रीलंका ही त्रेता युग की लंका थी। श्रीलंका में नुवारा इलिया नाम की एक जगह है जहां बेहद मनोरम घाटियों के बीच एक वाटिका है। इसे अशोक वाटिका कहा जाता है।
नवारा एल्या एरिया में ही अशोक वाटिका है, बहुत सुंदर गार्डन उन्होंने आज मेंटेन किया। मगर मैं उसको बड़े डिफरेंट एंगल से देख रही थी कि ऑब्वियसली 7000 साल पहले तो वही गार्डन नहीं हो सकता, वो लेवल भी नहीं हो सकता। तो मैंने उसमें बड़े ध्यान से ये देखा कि उसमें कुछ बहुत नीचे भी ज़मीन है, लेवल है। तो हो सकता है कि उस एरिया में कभी लोअर लेवल पे 7000 साल पहले वाटिका वगैरह रही होगी। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग का दावा है कि अशोक वाटिका मंदिर में स्थापित भगवान राम और माता सीता की ये मूर्तियां 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, जो इस बात की साक्षी है कि श्रीलंका का भारत से पुराना नाता है। नुवारा एलिया के साथ सीता एलिया नाम की जगह पर भी रामायण काल के कई प्रमाण होने का दावा है। ये भूमि वो भूमि है, पुण्य भूमि है, जहाँ सीता माता जी ने वनवास के समय पर रावण की कैद में अपने समय को गुजारा। स्थानिक लोग जो जहाँ पर थे उनका विश्वास है इस जगह के ऊपर कि सीता माता जी इतने समय तक इस प्रभु रामचंद्र जी की आँखों, प्रभु रामचंद्र की याद में अपनी आँखों में इतने आंसू बहाए हैं, इस जगह का वो पानी भी खारा हो गया है। तो ये महत्व है इस जगह का बारे में। कहते हैं अद्भुत जलाशयों और घने हरे जंगलों से घिरे अशोक वाटिका के पास ही पहाड़ों पर कहीं लंकेश्वर रावण का प्रसिद्ध बागीचा था। इसे मां सीता की खोज में लंका पहुंचे हनुमान ने उजाड़ दिया था। वाल्मीकि कहते हैं, संवेष्टिमाने लांगुले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कम इंधनम आसाद्य वनेष्विव हुताशनः। अर्थात जब राक्षस लोग उनकी पूंछ पे कपड़ा बांध रहे थे तब महाकपि हनुमान व्यवर्धत बहुत बढ़ गए, और बहुत बढ़ गए अर्थात पूंछ भी बड़ी होगी। तो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है उसी के अनुसार तुलसीदास जी का वर्णन प्राप्त होता है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। रावण ने जब सबक सिखाने के लिए हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो उन्होंने सोने की लंका में आग लगा दी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी ने आग लगाकर रावण को बड़ी क्षति पहुंचाई थी। आज भी लंका में जले हुए पत्थरों और लाल जमीन के अवशेष मिलते हैं। भक्त इसे लंका दहन से जोड़ते हैं, लेकिन विज्ञान की थ्योरी कुछ और कहती है। कुछ लोग ऐसा है वो भगवान हनुमान की जब पूछ बांध करके उन्होंने लंका में आग लगा दी तो वो कहते हैं यहाँ की जमीन भी जो है वो लाल हो गई है। वो लाल नहीं, वो लैटराइट है। विज्ञान और पुराण में एक बात को लेकर मतभेद है और वो है पुष्पक विमान। कहते हैं कि जब रावण ने कुबेर से लंका छीनी थी तो साथ में पुष्पक विमान भी छीन लिया था। हालांकि इस विमान के वर्तमान में कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि यहाँ हम इसके पक्ष और विरोध में तर्क आपके सामने रखते हैं। अगर वाल्मीकि रामायण की रचना के काल पर बहस भी हो तब भी रामचरितमानस में भी पुष्पक का ब्यौरा है, और ये भी लगभग 400 साल पहले की बात है। यानी मॉडर्न विमान के जनक राइट बंधुओं के आविष्कार से कम 250 साल पहले। पुष्पक विमान का जिस तरह से वर्णन किया गया है वो किसी राक्षस या जीव के रूप में नहीं है, बल्कि उपकरण के तौर पर। पुष्पक विमान का तो कोई प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राचीन भारत में विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ था, कि विज्ञान डेवलप नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है। हमारे कई टेक्स्ट हैं जिसमें जिसका हमने कुछ एनालिसिस नहीं किया है। संस्कृत का अंग्रेजी में अनुवाद करने से, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है, बहुत मूल भावना में कमी आ ही जाती है। ये किसी का दोष नहीं है, ये भाषा का ही वैषम्य इतना है। और यदि उसका अंग्रेजी हिंदी में किया जाए तो अंग्रेजी भी विदेशी भाषा है, हिंदी अपने देश की है, तो और मूल भावना में कमी आती है। तो ये स्वाभाविक है कि सीधा अनुवाद करने में जो भावना रहेगी वो संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने में बहुत कम हो जाएगी। और केवल विमान का वर्णन नहीं है बल्कि हेलीपैड यानी विमान तल का भी जिक्र है। कहा गया कि रावण माता सीता का हरण करके अपने पुष्पक विमान से लंका पहुंचा। यहाँ आपको श्रीलंका की मान्यताएं बताते हैं। वहां कहा जाता है कि वो सबसे पहले पहुंचा था विरगन टोटा।
विरगनटोटा का सिहली भाषा में मतलब है विमान तल। कहते हैं रावण के 5 विमान तल में से एक था विरगनटोटा। सिहली भाषा में विमान को दंडु मोरना यानी उड़ता मोर कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी लंकेश्वर के विमान को एक बड़े मोर जैसा बताया गया है। कहते हैं रावण अपनी राजधानी लंकापुर में पहुंचने के लिए विरगनटोटा विमान तल पर उतरता था। कुछ ही दूरी पर था रावण की पत्नी मंदोदरी का महल। रावण की पत्नी मंदोदरी भारत के मंदौर की रहने वाली थी। वर्तमान में मंदौर राजस्थान के जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव है। कहते हैं सालों पहले यहीं पर मंदोदरी के पिता मयासुर राज करते थे। रावण से शादी के बाद मंदोदरी को 3 पुत्र मेघनाद, अक्षय कुमार और अतिक्य हुए। सभी लंका में बस गए। श्रीलंका में ऐसी मान्यता है कि अशोक वाटिका ले जाने से पहले सीता जी को मंदोदरी के इसी महल में रखा गया था। मंदोदरी के महल में सीता जी को कुछ दिन रखने के बाद रावण उन्हें रथ में बिठाकर अशोक वाटिका ले गया। चलिए हम अपनी कहानी की ओर लौटते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में ये लिखा है कि किस तरीके से वानरों और असुर सेना के बीच घोर युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बहुत सीमित प्रमाण है, लेकिन एक प्रकरण जिसके स्पष्ट सबूत आज भी उपलब्ध है वो है जब मेघनाद के वार से लक्ष्मण घायल हुए थे तब हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेकर आना। बेहोश लक्ष्मण के उपचार के लिए वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। बताया गया कि हिमालय के कैलाश पर्वत और ऋषभ पर्वत के बीच स्थित औषधीय पर्वत पर संजीवनी, विशल्यकरणी और सुवर्णकरणी औषधियां मिलती हैं। संजीवनी कृष्ण पक्ष में 15 दिन अलग तरह की महकती है और शुक्ल पक्ष में अलग तरह का पुष्प देती है। वो आज भी आपको मालूम होना चाहिए, जो उत्तराखंड का ग्लेशियर है, कैलाश मानसरोवर है वो, और बद्रीनाथ के ऊपर ग्लेशियर है उसके ऊपर संजीवनी आज भी मौजूद है, जो कि हमारे रिसर्च स्कॉलर जो आयुर्वेद के वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने में महारत हासिल थी। वो लंबी लंबी छलांग लगाकर तेजी से पर्वतों को पार कर सकते थे। हालांकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि हनुमान हवा से भी तेज उड़ सकते थे और वो उड़कर संजीवनी बूटी लाने गए थे। डायनासोर युग में हम देखते हैं कि कुछ डायनासोर भी उड़ने की शक्ति भी रखते थे, उनके फॉसिल्स भी हमको मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला है कि कोई भी ऐसा कोई अवशेष नहीं मिलता है। फॉसिल कहते हैं जो हड्डी वगैरह बचे रहते हैं तो उसको हम लोग फॉसिल कहते हैं। तो ऐसा कोई फॉसिल नहीं मिला है जिसमें कि मनुष्य का आकार हो और वो उड़ने की क्षमता रखता हो। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के आकाश मार्ग से लंका जाने का वर्णन है तो पक्षी ही रहे होंगे, क्योंकि मनुष्य और वानर तोड़ नहीं सकते, तो मनुष्य हैं, वानर हैं, पक्षी हैं। जब वाल्मीकि ने स्वयं उन्हें कपि और महाकपि कहा है तो वाल्मीकि रामायण को प्रमाण मानने वाले सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो कपि ही हैं। संजीवनी बूटी को लेकर भी कई शोध किए गए हैं। रामायण में इस बूटी का विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है, पर जीवनदायक बूटी के तौर पर कई पौधों की पहचान हुई है। सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस, डेंड्रोबियम प्लिकेटाइल और क्रेसा क्रेटिका नाम के पौधों में संजीवनी वाले गुण पाए जाते हैं, पर अभी भी पक्के तौर पर किसी एक बूटी की पहचान संजीवनी के तौर पर नहीं की गई है। अगस्त 2016 में तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने संजीवनी बूटी की खोज के लिए बाकायदा पैसे आवंटित किए। कहा जाता है कि हिमालय के औषधि पर्वत पर पहुंचने के बाद हनुमान संजीवनी, विशल्यकरणी और सुवर्णकरणी बूटी को पहचान नहीं पाए, सो उन्होंने पर्वत के एक छोटे से खंड को ही लेकर वापस लंका की ओर जाने का निर्णय किया। रास्ते में अयोध्या के पास इसी जगह पर भरत से उनकी मुलाकात हुई। कुशल राम सिया लखन की पूछत भरत कुमार,
कहाँ कहे कहाँ ना कहे हनुमत करत विचार। आज भी अयोध्या में भरत और हनुमान के मिलन की बात कही जाती है। लंका पहुंचने के बाद वैद्य ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का इलाज किया। इन जड़ी बूटियों की शक्ति इतनी तेज थी कि वो चंद पलों में ही स्वस्थ हो गए। ये बात वर्तमान की दुनिया में विश्वास करने योग्य नहीं लगती कि कोई पर्वत उठाकर इतनी दूरी तक जा सकता है, पर आश्चर्यजनक तरीके से इसके प्रमाण भी मिलते हैं। कहते हैं जब हनुमान जी पर्वत उठाकर लंका जा रहे थे तो पहाड़ के हिस्से कई जगहों पर गिरे। आज भी श्रीलंका की सामान्य वनस्पति से अलग कच्छथिवु, दोलूकांडा, तल्लड़ी, उनावातुना और रीतिगाला में औषधीय बूटियां मिलती हैं। कोलंबो से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में एक पहाड़ है जो चारों ओर समुद्र से घिरा है। वो पर्वत देखते ही किसी दूसरी जगह का लगता है। उस पहाड़ की मिट्टी को श्रीलंका के बाकी इलाकों की मिट्टी से मिलाने की कोशिश की गई, पर उसके गुण बिल्कुल अलग थे। ताजा रिसर्च में सामने आया है कि इन पहाड़ियों का संबंध हिमालय से जुड़ा हुआ है। कुछ साक्ष्य हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति से जरूर मिलते हैं। जैसे रामायण के अंदर ये वर्णन है कि हनुमान संजीवनी बूटी के लिए हिमालय पर्वत का एक हिस्सा उठा के लाते हैं। तो अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सॉइल के बेसिस पे देखते हैं, तो जो क्षेत्र श्रीलंका है, श्रीलंका में आज भी एक ऐसे पहाड़ का अस्तित्व मिलता है जिसकी सॉइल, जिसके जो फॉर्मेशन है, वो फॉर्मेशन हमें हिमालय से मिलता हुआ लगता है, जो कि उस एरिया में होना उसकी यूनिकनेस है, वो अपने आप में एक प्रश्न है जिसे आप उससे एसिमिलेट कर सकते। अपने सभी करीबियों की मृत्यु से छटपटाया रावण जब स्वयं रणभूमि में उतरा तो उसका सामना श्री राम से हुआ। राम जी के पास कई अचूक हथियार थे जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिए थे। अगस्त्य मुनि की स्मृति में ही ये आश्रम एक मंदिर के तौर पर निर्मित है यहाँ पर। बहरहाल उन अचूक हथियारों का कोई असर हुआ नहीं रावण पर। तब विभीषण ने बताया कि नाभि पर वार करना होगा। जब राम जी ने नाभि पर ब्रह्मास्त्र से वार किया तो रावण वहीं ढेर हो गया। वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है कि जनकपुर यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने और वनवास यात्रा के दौरान अगस्त्य मुनि ने राम को अस्त्र शस्त्र दिए थे। खास बात यह है कि पूरे रामायण में इन सभी अस्त्र शस्त्र के प्रयोग का सटीक वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य मुनि की अग्निशाला है, आश्रम में वो अग्निशाला में हथियार बनाते थे और वो बहुत गार्डेड रहती थी। कोई आदमी अगस्त्य, इवन श्री राम अगस्त्य मुनि को डायरेक्ट मिलने नहीं जा सकते थे। उसमें 3 सिक्योरिटीज का घेरा रहता था। उनको पहले अगस्त्य मुनि के भाई के पास जाना पड़ा, भाई को लेके वहाँ बाहर से परमिशन लेनी पड़ी तो वो अंदर गए। तो अगस्त्य मुनि ने अपनी अग्निशाला में बनाए हुए अद्भुत हथियार उन्होंने दिए और जो अमोघ वार उन्होंने दिया उसी से राम ने रावण का वध किया। रावण की मौत का समय और खगोलीय स्थितियों का वर्णन रामायण में नहीं मिलता, लेकिन कई सेनापतियों के बीच चले युद्ध और दिनों की गणना के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रावण का वध 4 या 5 दिसंबर 5076 ईसा पूर्व में हुआ होगा। जो रेफरेंसेस दिए गए हैं तो वो उससे ये निकाला जाता है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में था और ये कॉम्बिनेशन इतने प्लैनेट्स के कब हुए, तो ये बैकवर्ड कैलकुलेशन करके फिर सॉफ्टवेयर यूज करके उसको स्काई व्यू को रिप्रोड्यूस किया गया और वो प्रिसाइसली इस टाइम और दिन पर आते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मौत के बाद भाई विभीषण ने राम के आदेश पर विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार किया। इसके बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का यह वर्णन इस बात को साबित करता है कि उनका ध्येय युद्ध के जरिए विनाश नहीं बल्कि मानव कल्याण हेतु युद्ध था। उन्होंने रावण वध से मां सीता को मुक्त करा लिया पर लंका को विनाश के गर्त में नहीं छोड़ा। राम बिल्कुल ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं।
और ऐतिहासिक पुरुष रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े पॉपुलेशन के बीच में राम के प्रति श्रद्धा है, केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर जावा सुमात्रा से लेकर अन्य जगहों पर भी इनकी मान्यता है और लोगों को श्रद्धा है। श्री राम विष्णु का अवतार माने गए, पर साथ ही वो धरती पर राज करने वाले सबसे महान राजा थे, जो आज की पीढ़ी के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जो भगवान है वो हमारे पूर्वज थे, उनका खून हमारे रगों में दौड़ता है, मैं मानता हूँ ये, और मुझे ये बात बहुत इंस्पायर करती है। लेकिन क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन मैं किसी के ऊपर थोपने की कोशिश थोड़ी कर रहा हूँ, बस मैं मानता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अगर हम माने कि श्री राम, सीता माँ, शिव जी, इन सब का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है, और कितना इंस्पायर हम फील करेंगे कि भाई आज कल हमारी जो दशा है हमारे देश को, हमें शर्म आनी चाहिए कि ऐसे हमारे पूर्वज थे और आज हम लोग क्या कर रहे हैं। कहते हैं हनुमान जी के अशोक वाटिका तक पहुंच जाने के बाद रावण ने सीता को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर छिपा दिया था। उसकी मौत के बाद माता सीता को रावण गोदा के स्त्रीपुरा से मुक्त कराया गया। श्रीलंका में आज भी ये जगहें इसी नाम से हैं। विभीषण को राजा के रूप में पूजा जाता है, तो राम सीता के अनेकों चित्र और प्रतिमाएं भी हैं। विभीषण से राम मिले तो गले लग करके मिले, और जब बाहु इतनी लंबी करके उनसे मिले, और मिलने के बाद कहा बंधु तुम कैसे वहां रहते हो, तो उसने अपना विभीषण दिया सब कुछ, वो बड़ा विस्तार है। राम ने तुरंत ही वालू को लेकर के तिलक कर दिया, लंकेश शब्द का प्रयोग किया। श्री राम के वनवास को अब 14 साल पूरे हो गए, यानी अयोध्या लौटने की बेला आ चली थी। वर्णन मिलता है कि रावण के पुष्पक विमान से आसमान के रास्ते ही सभी अयोध्या की ओर लौटे थे। तारीखों का मेल कराने से इतना समझ में आता है कि किसी ऐसे वाहन का प्रयोग किया गया था जिससे अयोध्या लौटने में न के बराबर समय लगा। श्री राम जन जन की आस्था में विराजमान है और उनसे जुड़े साक्ष्य हजारों किलोमीटर के दायरे में फैले हैं, जिन्हें हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजा बनने के बाद श्री राम के राजपाट का क्या हुआ? कितने सालों तक उन्होंने सत्ता संभाली? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बच्चों ने कब और कहां राजपाट संभाला? युद्ध में रावण का संपूर्ण नाश हुआ, नाश होने के बाद में उनको सीता वापस मिली, सीता की परीक्षा लिया गया और सीता को साथ लेकर के फिर वो अयोध्या लौट करके और उन्होंने राज किया। 14 साल के बाद एक बार फिर से अयोध्या में खुशियों का सूरज उगा, राम राज्य की स्थापना हुई, हर तरफ जश्न का माहौल था, खुशियां ही खुशियां थी। अयोध्या की जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय राम अयोध्या के महाराज बने और सीता महारानी। दस वर्ष सहस्राणी, 10 वर्ष सांश रामो राजन पासितम प्रयासती, और इसी 11 वर्ष राज में जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे सबकी स्थापना हुई और जितने भी पापाचारी अत्याचारी हुई सबका विनाश हुआ। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। इतने सालों से श्री राम के अनुज भरत अयोध्या में सत्ता तो संभाल रहे थे, लेकिन श्री राम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर सांकेतिक सत्ता श्री राम की ही थी। भरत और पूरी प्रजा श्री राम के लौटने का व्याकुल होकर प्रतीक्षा कर रही थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम अपने 25वें जन्मदिन के दिन वनवास पर गए थे और 39वें जन्मदिन से पहले वापस लौटे। 39 वर्ष की उम्र थी, 25 साल की उम्र में वो वनवास गए, वापस आए तो अयोध्या के राजा बने। लगभग 10 वर्ष तक उन्होंने सीता के साथ बहुत अच्छा अयोध्या का राज्य चलाया।
यहाँ परंपराओं के आईने से भी राम कथा देखने की आवश्यकता है। आज हम हर वर्ष विजयदशमी का उत्सव मनाते हैं, जो रावण पर राम के विजय का उत्सव है। इसके ठीक 20 दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, जो श्री राम के अयोध्या लौटने का दिन है। अभी तक के शोध के आधार पर अयोध्या लौटने की पक्की तिथि मालूम नहीं, लेकिन लंका से लौटते हुए चंद पड़ावों का वर्णन है। भीषण युद्ध के बाद श्री राम की सेना ने लंका में वंथरा मुलई नाम के स्थान पर एक दिन विश्राम किया। लंका में स्थिति बहाल करने और विभीषण की ताजपोशी के लिए भी श्री राम लंका में ही रुके। ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति के लिए कोलंबो से 80 किलोमीटर दूर मुन्नेश्वरम में उन्होंने पूजा की। कहा जाता है कि श्री राम पुष्पक विमान से लौटे थे और रास्ते में कई पड़ाव पर रुके भी थे। कई ऋषियों के आश्रम से होते हुए वो आखिर में श्रृंगवेरपुर में भारद्वाज आश्रम पहुंचे। यहां से हनुमान जी को संदेश के साथ अयोध्या भेजा और 4 दिन बाद स्वयं अयोध्या पहुंचे। भरद्वाज आश्रम गए, अपने ऋषि को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया कि आपने मुझे जिस तरह का उपदेश दिया उसका मैंने 14 साल तक वन में उसी तरह से निर्वहन किया, उसमें कोई त्रुटि हो तो गुरुदेव मुझे बताएं। जिस दिन राम वापस लौटे उस दिन पूरे अयोध्या में दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया। आज के दौर में मान्यता है कि उस रोज अमावस की रात थी, इसीलिए दिए जलाकर रास्ता दिखाया गया और खुशियां मनाई गईं। आज भी उसी की याद में हर साल दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। जब राम अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, चतुर्दशी थी, उस समय चतुर्दशी के लिए एक दीप जलाते हैं। जब रात्रि को पहुंच गए तो उसी सकाल में क्या होता है कि अमावस्या प्रवेश कर गई। अमावस्या की रात दिन से लेकर के उत्साहित हुए लोगों ने पकवान बांटना शुरू किए। फिर अमावस्या की रात्रि में बहुत बड़ा पूजन किया, क्योंकि सीता साक्षात लक्ष्मी है। सीता जो है लक्ष्मी पुत्री है, लक्ष्मी है, इसलिए उस दिन गणपति और लक्ष्मी का पूजन भी शुरू हो गया। ये राम के आगमन पर ही लक्ष्मी गणेश का पूजन शुरू हुआ। राम के नेतृत्व में तीनों भाइयों ने कौशल प्रदेश को एक मजबूत राज्य के रूप में संगठित किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम राज्य की स्थापना के साथ ही वाल्मीकि ने भी राम के जीवन पर आधारित रामायण की रचना शुरू कर दी थी। श्री राम ने एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी आदर्श है। राम राज्य आज भी उस राज्य का पर्यायवाची है जहां जनता की खुशी और भलाई के लिए राजा राज करता है। वाल्मीकि लिखते हैं कि राम ने कई अश्वमेध यज्ञ किए और विशाल धन संपदा दान में दिए। इस प्रकार राम ने करीब 11 साल तक राज किया। राम राज्य के 11वें साल की बात है, जब माता सीता को लेकर राज्य में कानाफूसी सी शुरू हो गई। ये आम धारणा है कि लंका से लौटने के फौरन बाद ऐसा हुआ, लेकिन दरअसल ये श्री राम के शासन के 10 साल के बाद की बात है। तब पति धर्म से ऊपर राजधर्म को रखते हुए श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिए कि वो माता सीता को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ाए। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण दुखी मन से सीता को लेकर वाल्मीकि आश्रम की ओर चल दिए। शोध में सामने आया है कि वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में था। वनवास काल के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण यहां पहले भी जा चुके थे। श्री राम इस आश्रम से अच्छी तरह से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने सीता को वहां भेजा। सीता ने जाकर के वाल्मीकि आश्रम में रही और वहीं से लवकुश लव और कुश का जन्म हुआ और भगवान राम बिना नारी के राज करते रहे। और उसके बाद में जब बहुत दिन बीत गया तब उन्होंने एक यज्ञ किया। वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ। समय तेजी से बीतने लगा। सीता त्याग के बाद राम अयोध्या में सन्यासियों सा जीवन जीने लगे। वो राज्य की हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे, लेकिन स्वयं से उनका मन उचट चुका था।
उधर वाल्मीकि आश्रम में लव कुश की शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। रामायण के अध्यायों को वाल्मीकि ने दोनों को मुंह जबानी याद करा दिया। लव और कुश रामायण का पाठ नगर नगर जाकर करने लगे। उनकी ख्याति अयोध्या तक पहुंची। श्री राम से कैसे उनकी भेंट हुई पूरा उल्लेख इसका मिलता है, कैसे माता सीता धरती में समा गईं। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है और सबका अपना अलग अलग आकलन है कि धरती में समाने का अर्थ क्या रहा होगा। श्री राम अपने बेटों को अपने साथ राजमहल ले गए। अयोध्या पर कुछ दिन शासन करने के बाद उन्होंने इक्ष्वाकु वंश को पूरे भारत में स्थापित करने के लिए अपने और अपने भाइयों के बेटों को राजपाट सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। शोध में सामने आया है कि राम को जहां दो बेटे लव और कुश थे, भरत के भी दो बेटे थे। इनका नाम तक्ष और पुष्कल था। लक्ष्मण के भी दो बेटे थे, उनका नाम चंद्रकेतु और अंगद था। सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न के भी दो बेटे थे, जिनका नाम सुबाहु और शत्रुघाती था। भरत के दो बच्चे थे, कुश के आठ बच्चे थे। इन बच्चों में इतना सौहार्द था, इतनी संपन्नता थी, एक साथ ही ये मिलकर के चलते थे, क्योंकि राम राज्य बन गया था। ये राम का राज्य है, राम का आदर्श है और वो चला। उत्तर रामायण में राम के बाद उनके परिवार को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं भरत अपने मामा युद्धजीत के बहुत करीबी थे। युद्धजीत कैकेय प्रदेश के राजा थे। वर्तमान परिपेक्ष में कैकेय प्रदेश अफगानिस्तान के आसपास का इलाका माना जा सकता है। मामा युद्धजीत ने गंधर्व के खिलाफ युद्ध के लिए कौशल प्रदेश से राजा राम से मदद मांगी। श्री राम के आदेश पर भरत अपने दोनों बेटों तक्ष और पुष्कल के साथ कैकेय प्रदेश गए। गंधर्व को हराने के बाद भरत ने यहाँ पर अपने बड़े बेटे तक्ष के नाम पर तक्षशिला राज्य की स्थापना की, साथ ही छोटे बेटे पुष्कल के नाम पर पुष्कलावत राज्य की स्थापना की। 5 साल तक दोनों को शासन सत्ता की बारीकियां सिखाने के बाद भरत वापस अयोध्या लौट आए। श्री राम चाहते थे कि चारों दिशा में उनके अपनों की सत्ता पर पकड़ हो, लिहाजा भरत के कहने पर पूर्वोत्तर के राज्य करुपत को राम ने कौशल प्रदेश के अधीन कर लिया। लक्ष्मण के दोनों बेटों अंगद और चंद्रकेतु के नाम पर अंगदीय और चंद्रकांता नगरों को बसाया गया। 1 साल तक लक्ष्मण यहां रहकर वापस अयोध्या लौट आए। इसी तरह से शत्रुघ्न ने लवनासुर का वध करके यमुना के किनारे 2 भव्य नगरों विदिशा और मथुरापुरी का निर्माण किया। पुत्र सुबाहु को मथुरापुरी और शत्रुघाती को विदिशा का राजपाट सौंपकर वो भी वापस अयोध्या लौट गए। लवनासुर को मारने के बाद उन्होंने पहले ही शत्रुघ्न को परिवार के साथ भेज दिया था और कहा था कि वहां 2 कैपिटल सिटीज डिवेलप करना, मथुरा और विदिशा। मथुरा यूपी में है, विदिशा मध्य प्रदेश में, और वहां अपने पुत्रों को राज्य का राजकाज करने में ट्रेनिंग दे दी। ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राम ने कौशल राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अपने बेटों लव और कुश को सौंप कर स्वयं वैकुंठ धाम जाने की तैयारियां शुरू कर दी। इक्ष्वाकु वंश के 64वें राजा राम ने अपने जीवन काल में जो प्रतिमान स्थापित किए, उसकी वजह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से मशहूर हुए। श्री राम और उनके भाइयों की अंतिम यात्रा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी कहानियां सामने आती हैं। कहते हैं पतित पावनी सरयू के इसी घाट पर श्री राम के अंतिम दर्शन हुए थे। भगवान राम अपने सब परिवारों के अयोध्या वासियों के साथ सर्वे राम अनुपर्ता और सभी के साथ वो उस परम धाम के गए। उस धाम को गए जत गत्वा निवर्तन्ते तद् धामं परमम्। जहाँ जाने के बाद जीवात्मा इस संसार में नहीं आता। श्री राम की कहानी भारत वर्ष के एकीकरण में सबसे बड़े कारक के रूप में उभर कर आती है। देखा जाए तो श्री राम ने उस दौर में सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक मजबूत राज्य की नींव डाली। जहां कोल जनजाति के गो निषाद को प्रेम और सम्मान देकर गले लगाया, वहीं भील जाति की दलित शबरी के जूठे बेर खाकर अस्पृश्यता के विरुद्ध एक प्रबल संदेश दिया।
आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी भाषा बात करने वाला हो, आप किसी से भी पूछें कि देश को सबसे अच्छा चलाने का तरीका क्या है, सब कहेंगे राम राज्य। आज तक वो छवि हमारे दिल में है, तो इस पे सोचने की ज़रूरत है कि राम राज्य का मतलब क्या है, वो हमारे दिल में अभी तक ज़िंदा क्यों है। और जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतना हम इंस्पायर होंगे, उतना हम अपने आज की दशा को सुधार सकते हैं। जहाँ तक पारंपरिक मत है तो वाल्मीकि रामायण को तो वेद ही समझा जाता है। अगस्त्य संहिता में कहा गया है कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथ आत्मजे, वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना, तस्माद् रामायणम देवी वेद एव न संशयः। ये ऐतिहासिक पुरुष थे, उनकी ऐतिहासिकता उनके वंशज वालों की उससे पता लगती है, और यही महाभारत के बारे में है। तो ये कहना कि वो ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, ये न्याय संगत नहीं। वैज्ञानिक प्रमाणों ने सिद्ध किया है कि भारत में संस्कृति पिछले 10,000 सालों से विकसित हो रही है। रामायण में वर्णित 7,000 वर्ष पुरानी ये ऐतिहासिक घटनाएं हमारी उसी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्राचीनतम नमूना है जो आज तक भारत में निरंतर विकसित होती आ रही है। लगातार वैज्ञानिक शोध ने अंग्रेजों के दौर की उस थ्योरी को पूरी तरह नकार दिया है जहां भारत में सभ्यता के विकास को पश्चिम से आर्यों के आने से जोड़ा गया है। हर एक प्रमाण भारतीय सभ्यता के इतिहास पर मुहर लगाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने इतिहास के कई प्रमाण आपके सामने रखे हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन जब अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी तो हम ईश्वर के किसी और रूप के साक्ष्य आपके साथ तलाशेंगे।